है जिनी, जो लेकर आ रहे हैं बलराज एज हस्बैंड, सुगंधा एज वाइफ एंड संकेत एज जिनी। भुवन मैम के लिए जोरदार तालियां। क्या टैलेंट है, एक फिल्म में कितने सारे किरदार कर रहा है, एक दिए देखो, सारे किरदारों में बलराज कर रहा है। कोई वेरिएशन नहीं। क्या बात है, सच बोला। आपको पता है छोटे घर में रोमांस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है? मैं क्या जानू। इतना छोटा घर है, एक बार हम लोग ऐसे सड़क के सो रहे थे, मैंने अपनी बीवी के कान में बोला कि आज रात को रोमांस करेंगे, आवाज कान से होते हुए मेरे भाई तक पहुंच गई। सारी रात वो नहीं सोया एक्साइटमेंट में। मेरी बीवी कहती उस घर में रहने नहीं, तो मैं उसको अपनी पुश्तैनी हवेली में ले आया हूँ, यहाँ रोमांस करेंगे। जानू बेबी, ये क्या बेबी, ऐसी भूतिया जगह रोमांस करेंगे हम? अरे कल को हमारा बच्चा होगा तो उसे डॉक्टर के पास नहीं तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा। चलो बेबी। अरे ये भूतिया हवेली नहीं है, हमारी पुश्तैनी हवेली है। मेरे दादाजी ने अंग्रेजों से जीती थी। फ्रीडम फाइटर थे वो? जुआरी थे, तीन पत्ते सीधे पड़े हवेली जेब में। अरे तंग आ गयो मैं तुम्हारे परिवार से, पूरा परिवार जुआरी है। क्या बुराई क्या जुए में। वो नीरज चोपड़ा एक भाला फेंके एक गोल्ड लाया, मैं पत्ते फेंक फेंके तेरे लिए गोल्ड प्लेटिनम डायमंड क्या क्या नहीं लेके आया मैं। अरे नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता तो पुलिस उसे इज्जत से घर छोड़ के जाती है, और तुम्हें बाल से पकड़ के घड़ी इसकी पुलिस खींच के लेके जाती है बाहर। और पिछवाड़ा देखा है कभी अपना? पुलिस ने इतने डंडे मारे, लाइनें छप गई हैं, ग्रिल बर्गर बन गया पूरा पिछवाड़ा तुम्हारा। बेबी पुरानी बातें छोड़ो ना, नई शुरुआत करते ना आज। नई शुरुआत करते, यहाँ करेंगे नई शुरुआत? यहाँ तो कहीं बैठने की जगह भी नहीं है, ये कुर्सी देखो इसमें भी छेद है। कमोड है वो, कमोड। कमोड हॉल में? बेबी पुरानी हवेली है ना, तो उस टाइम लोग इवॉल्व हो रहे थे, उनको ये तो पता था हल्के होना है, कहाँ होना ये नहीं पता था। बेबी मैं क्या बोल रहा हूँ, कमोड भी है यहाँ पे, हम दोनों भी हैं, तो क्यों ना टॉयलेट एक प्रेम कथा पार्ट टू बनाते हैं। बस यही प्रॉब्लम होती है, जब भी तुम मेरे करीब आते हो ना, मेरे अंदर की आग में पेट्रोल छिड़क देते हो। देखा कितना महंगा रोमांस है। बेबी। हाँ बेबी। देखा कितना एडवांस घर है, हम जैसे क्लोज आ लाइट बंद होगी। सच का? अरे बेबी मेरी हॉटनेस से तुम्हारे सर के बाल भी जल गए। बेबी हाँ? यार मैंने अभी तक तुम्हें कुछ किया भी नहीं, पेट कैसे बाहर आ गया तुम्हारा? अरे भाई साहब, अरे कुछ अड़ गया तुम तो बहुत अच्छा हंसते हो यार, पहले एपिसोड में मिलते तुम्हें वहाँ बिठा देते हम लोग। उनके बगल में रोज नए गैस ढूंढने पड़ते ना। माई विश इज माई डिमांड। मैं जिन हूँ, जिन। जिन? हम कैसे मान ले? ये देखो मेरी बाटली। क्या हुकुम है मेरे काका? अरे काका नहीं, आका होता है। अरे इसकी दाढ़ी और चोटी दिखाए क्या, ये जिन लोग का काका ही लग रहा है। बोल क्या है तेरा डिमांड? यार हमारे घर में ना बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत बदबू आ रही है, इसको साफ कर दे। बदबू आ रही है तो नहा लेना बेटा। कोई और विशेष रहेगा तो बोलो, फालतू टाइम पास मत करो, टाइम नहीं। विश विश बेबी एक काम करते हैं, इससे ना लोकल का परमानेंट पास बनवा लेते हैं, आने जाने के पैसे बचेंगे। अरे जब इससे गाड़ी मांग सकते तो लोकल का पास क्यों मांगे यार? आगे ना गाड़ी में टीटी आ गए तो छुपेंगे कहाँ पे? एक मिनट एक मिनट, तू आत्माराम का पोता है क्या? अरे वो भी ऐसा विश डिसाइड करते करते मर गया था। साले तू मेरे खानदान का चिराग है। बे तेरे खानदान के चिराग के चक्कर में मेरे खानदान का चिराग नहीं आ रहा है। बे ये गलत टाइम पे घिस देते हो तुम लोग, मेरा काम ही नहीं हो पाता। बदतमीज, बहुत देर से सुन रही हूँ, अपने आके से बदतमीजी करता है। तेरी एक विश खत्म। तू बोल बे नेवले, तेरा तेरी दूसरी विश खत्म। अब तुम लोग के पास आखिरी विश बची हुई है, बोलो। हाँ हमारी तीन विश और बढ़ा दे, तेरे को दो थप्पड़ और मारने। यार ऐसा रहेगा तो मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग टाइम पास नहीं कर रहे। मेरी एक विश है, मेरी विश है कि मुझे इससे तलाक दिलवा दो। और पता है तुम मेरे साथ हमेशा रहो। मुझसे तलाक? हाँ। तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को मैंने अपना स्लॉट दिलवा के वैक्सीनेशन लगवाया था,
तेरी इम्यूनिटी क्या बूस्ट होगी इस ब्लूबेरी के झाड़ के साथ फंस गई तू? एक मिनट। अरे वो सब तो ठीक है, ये लहरी के झूठे आम खाने वाले, तुझे ब्लूबेरी कब से सुन लिया? बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मुझे जिनी चाहिए। पता है जिनी को देखते मेरे दिल में एक ही गाना आता है, जिनी मेरा दिल लुटिया, जिनी में नुमार सिटिया। एक मिनट रुक रे, लेकर पतला कलर इधर हो, आगे सच में इसके साथ रहेगी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसके साथ रहेगी तो जिंदगी भर कपड़े नहीं बदल पाएगी। क्यों? क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं वो घर में पर्दे लगवा लेते हैं। जिन बाबा उसकी बातों में मत आओ। तो क्या तेरी बातों में? वहां पे थोबड़ा देखा क्या तूने अपना? अच्छा लाइन दे रही है तो उधर जाऊंगा ना मैं। अरे जिनी मत जाना उधर। इसे छोड़ो, अरे हम चलो कहीं भाग जाते हैं और भाग के गाएंगे जिंग 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 जिंग। अरे वाह, गाना भी मरा के जाएगा जिंग 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 कैसे जिंग 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 जिंग। चलो चलो चले चले। जाने से पहले मेरी एक आखिरी विश पूरी कर दो। इसका एक छोटा कर देते इसका। हां बोल रहे हो, क्या है तेरा? मेरे को अमर कर दो। अमर करू तेरे को? घमाचा घचंडू पागल हो गया अमर, जा। ऐसे कैसे मान लूं मैं अमर हो गया? तो चाकू ले और चेक कर। चेक कर, मेरा ऐसा सर्विस पूरा हो रहता है। बोले चेक कर, अमर हो गया ना? अमर हो गया तू पक्का? हाँ। दर्द हो रहा है? दर्द होएगा लेकिन मरेगा नहीं। ए जिंदाबा, ए खून भी आ रहा है। खून आएगा लेकिन मरेगा नहीं, गारंटी अपनी। साले मैं मर रहा हूँ। मरेगा लेकिन मरेगा नहीं। ए ये अरे वो सच में मर रहा है। अरे मर रहा है क्या? मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया लगता है। क्या? बचाओ उसको। मेरा बचाने का कोर्स नहीं हुआ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर है? शादी से पहले ये भी छूट बोला मुझे। मैं हूँ। क्या? मैं हूँ डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर है तू? तो चल अब मुझे आईसीयू की फुल फॉर्म बता। आईसीयू का फुल फॉर्म है सिंपल है, इंटरनेशनल कॉलिंग यूनिट। अरे पीसीओ पे बैठने वाले झूठ की दुकान। ए भाई साहब, ए शर्म से मरोगे कि चाकू दूं? अरे वो छोड़। मैं तो मर गया। चल के बताती हूं। हैक तेरे, हैक तेरे। आज नहीं मरने का मौका मिला तुझे।